टाइम लगेगा टॉस होने के बाद मैच को खेला जाएगा। तो लो आप लोग को भाई लोग को अरे वीडियो को लाइक करेगा जितना पर उतना शेयर करेगा स्ट्रीम को जितना पर उतना शेयर करेगा दोस्तों। अरे मैच दोस्तों अनुष्ठित आज होने वाला है इंडियन लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर टॉस होने वाला है दोस्तों। आउटफील्ड या फिर आप सभी लोग समझ सकते हो इस मैच पर दोस्तों बारिश के कारण इस मैच को थोड़ी सी देरी करा जा रही है दोस्तों। दोस्तों इस मैच में बात कर रहा था इंडियन लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर आज नीचे मुकाबला जो कि छठी मुकाबला सिक्स मुकाबला में आकर पहुंच चुकी दोस्तों। और इस मैच के दौरान बात करें तो इस मैच पर जो कि इस मैच पर जो कि इंडियन लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की छठी मुकाबला पर दोस्तों बारिश की बहुत ही जरूरी हो चुकी है और बारिश बहुत ही ज़्यादा होते होते दोस्तों देखा गया है। आप लोग जितना पर उतना शेयर करिएगा लाइव स्ट्रीम को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की दोस्तों मत भूलिएगा। और ग्रीन पार्क में जो कि कानपुर में है लगातार बरसात की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस मैच को थोड़ी सी जो कि आगे जाकर खेलने वाला है बरसात रोकेगा या फिर नहीं दोस्तों वेटिंग हम लोग देखेंगे दोस्तों जो कि बारिश रुकता है या फिर नहीं दोस्तों। आप लोग जितना पारे उतना शेयर करेगा इस लाइव स्ट्रीम को और इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स और इस मैच को आप लोग को देखने के लिए मत भूलेगा। इस मैच को आप लोग को देखना चाहिए और कुछ भी सीखना चाहिए आप लोग जो कि रिटायरमेंट प्लेयर के अंदर आप सभी लोग सीखना चाहिए दोस्तों। इतने साल हो गए बट क्रिकेट के साथ आप सभी को मैदान पर जो कि दिखाई दे रही रोड टू वर्ल्ड सीरीज की टूर्नामेंट को हम लोग को जय हिंद कहना बोलना चाहिए दोस्तों। और इस बात को मैंने सहमत ले चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ यार जितना पड़े उतना शेयर करिएगा इंडिया लेजेंड्स एंड बनाम जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स। और पहला मैच जो हुआ था इंडिया लेजेंड्स बात करने बहुत ही बड़े शानदार तरीके से रन बना कर उसी मैच पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए जो कि पहला मुकाबला हुआ था इंडिया लेजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स के अंदर। दोस्तों आपका क्या सहमति है आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस मैच बहुत ही बड़े लाज होने वाला है इस मैच और जो कि दोस्तों बारिश का प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखा दे रही है और बारिश जब चला जाएगा और बारिश चला देने के बाद टॉस कार्यक्रम हो जाएगा। टॉस कार्यक्रम होने के बाद दोनों टीम के प्लेयर एंट्री मारेंगे पिच के ऊपर। और दोस्तों मुझे नहीं लगता आज 20 ओवर जो कि खेल होने वाला है, मुझे लगता है थोड़ी सी ओवर की कम कर देंगे बट क्योंकि दोस्तों बारिश रुक भी नहीं जा रही है दोस्तों और बारिश लगातार होते जा रही है दोस्तों, उसीलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम दोस्तों दिखाई दे रही है दोस्तों। और आप लोगों लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए दोनों टीम के अंदर प्लेइंग इलेवन और कुछ मिनट के बाद आ जाएगा टॉस कार्यक्रम के पे जो कि होने के बाद आप सभी को मैं प्रोवाइड करूँगा। बट इंडियन लेजेंड्स की स्क्वाड की थोड़ी सी नजदीक जाकर हम लोग देख देते हैं आज किसी मैच पर इंडियन लेजेंड्स की कौन कौन सी प्लेइंग इलेवन लेकर इंडियन लेजेंड्स आज किसी मैच पर रहा जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के ऊपर जो कि आक्रमण कर सकती है या प्लेइंग इलेवन में जो कि शुरुआत कर सकती है आज किसी मैच पर रहा। तो मैं बात करूँ दोस्तों पहले जो बल्लेबाजी जो कि सचिन तेंदुलकर जो कि कप्तान साहब ओपनिंग करने के लिए आएंगे उसके साथ उसके बाद युवराज सिंह भी इस स्क्वाड में शामिल है। हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोना पटेल और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकती हो एस बद्रीनाथ, स्टुअर्ट विने, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा और दोस्तों भैनी कुमार और दोस्तों राहुल शर्मा, राजेश पवार और दोस्तों यहाँ पर मुठान अभिन मुथान, सुरेश रायना। ये दोस्तों सुरेश रायना को मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुरेश रायना जो इस प्लेइंग इलेवन में पहले मैच पर सुरेश रायना आप सभी को दिखाए दे चुके हैं और आज किसी मैच पर मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन है जो कि एक नंबर पर दोस्तों देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर और उसके साथ मुझे लगता है दोस्तों युवराज सिंह को खेलना चाहिए। युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर है और युवराज सिंह ये दो बल्लेबाज हो गए उसके नंबर तीन पर दोस्तों सुरेश रायना बेसली उसके बाद मोना पटेल आपके पास मौजूद है। यूसुफ पठान, स्टुअर्ट विनी जो कि लाजवाबी पिछले मैच पर जो कि स्टुअर्ट विनी के बल्ले से आया था दोस्तों। और दोस्तों मैं बताया था दोस्तों
इंडिया लेजेंड्स के दो नंबर पर, जो कि पावर टेबल की दो नंबर पर अभी भी मौजूद है दोस्तों। आप सबको दिखाई दू थोड़ी सी नजदीक जाकर, और ये देख सकते हो श्रीलंका लेजेंड्स ने नंबर वन पर अभी भी मौजूद है, दो मैच लगातार जीत कर नंबर चार पॉइंट के द्वारा वो प्लेयर जो कि वो टीम जाकर नंबर वन पर पहुंच गया। और दूसरी साइड पर दूसरे नंबर पर इंडिया लेजेंड्स जो कि बेहतरीन मैच खेलकर, एक मैच खेलकर बेहतरीन सी रन बनाकर उसी मैच को जीतते हुए नजर आए। और नंबर दो पर, नंबर दो पॉइंट से इंडिया लेजेंड्स जो कि नंबर दो पर मौजूद है। नंबर तीन पर दोस्तों वेस्ट इंडीज लेजेंड्स जो कि दो मैच के सॉरी एक मैच खेल चुके हैं और एक मैच पर एक मैच उनकी विजय के साथ दो पॉइंट्स के अंदर नंबर चार पर है, नंबर तीन पर। नंबर चार पर देखिए तो दोस्तों साउथ अफ्रीका लेजेंड्स है जो कि दो मैच पर एक विजेता के साथ एक हार उनकी हो चुकी है। और नंबर दो पर वो जो कि वो टीम नंबर चार पर है। उसके बाद नंबर पाँच पर इंग्लैंड लेजेंड्स एक मैच पर हार हुआ था, बांग्लादेश लेजेंड्स को हार, ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स को हार और न्यूजीलैंड लेजेंड्स को भी हार। ये चारों टीम नंबर चार के नीचे है दोस्तों, ये चारों टीम लगातार एक एक मैच हार चुके दोस्तों। और दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों इस पर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, आप सब देखते हो 100% बारिश की पसंद दिखा रही है दोस्तों, जो कि कानपुर में बहुत ही ज़्यादा बारिश होकर दोस्तों नज़र में आ चुकी है दोस्तों। और क्या होने वाला है इंडिया की टीम की जो कि प्लेइंग 11 में आपसे बताऊँगा, और टॉस की कार्यक्रम से पहले आप सबको जो कि प्लेइंग 11 आ जाएगा मैं भी बता दूँगा। और इस मैच रोक सकती हूँ वर्ल्ड सीरीज का, जो कि T20 2022 की नंबर छः की मैच जो कि आज अनुष्ठित होने वाला है ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अनुष्ठित होने वाला है दोस्तों। 7:30 PM पर अनुष्ठित होने वाला था दोस्तों। बाकी में दोस्तों देखने के बाकी है आज किसी मैच पर जो कि क्या होता है दोस्तों, बारिश की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है दोस्तों, और बरसात नहीं रुकती है दोस्तों नजर में आए जो कि कानपुर में दोस्तों। दोस्तों आपसे वो बताया तू जो कि इंडिया लेजेंड्स की स्क्वाड आपसे फिर से देखा है तो सचिन तेंदुलकर सर, युवराज सिंह जो कि हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, उसी मैच पर आप सब लोग देख सकते हो जो कि पहला मैच होता है इंडिया की बात है बहुत ही बढ़िया रन बनाकर नजर में दोस्तों। उसके बाद स्टुअर्ट बेनी देखे तो एस बद्रीनाथ, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा और विजय विनय कुमार और राहुल शर्मा, राजेश कुमार और देखिए अभिमन्यु मथुन और सुरेश रैना लास्ट मैच पर जो कि सुरेश रैना रोड शक्ति वर्ल्ड सीरीज पर एंट्री हो चुका है सुरेश रैना, उस दिन लाजापारी खेलते दोस्तों नजर में आए दोस्तों। पहला मैच पर जो कि बहुत ही बढ़िया लाजापारी खेलते नजर में आए, और जो स्टुअर्ट बेनी की जो पारी था ना दोस्तों लाजापारी था उनकी उनकी बल्ले से आया था दोस्तों। और आज किसी मैच पर मैच ड्यू टू आउटफील्ड दोस्तों देखने को बाकी है दोस्तों, आज किसी मैच हो पाता है या फिर नहीं दोस्तों। आप लोग को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। रोड शक्ति वर्ल्ड सीरीज T20 2022 मुकाबला फिर से मैं दोस्तों दिखाई दूँ, क्योंकि आज किसी मैच पर कौन कौन सी प्लेइंग 11 लेकर जाने वाला है इंडियन टीम आपसे मैं बताऊँगा, आप लोग को जितना पहले उत्तर शेयर करेगा। दोनों टीम के ऑन कर रही है स्क्वाड, आप सभी को मैं प्लेइंग 11 बनाकर आप सभी को दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग जितना पड़े उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये बात है जो कि क्लाउड जो कि आप सभी को दिखाई देते हुए वेदर के कारण बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आज कानपुर में बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है दोस्तों देखा जा चुका है, क्योंकि 100% बारिश की पसंद आ चुकी है दोस्तों, और लगातार बारिश होती जा रही है, बारिश का रुकना जो कि असंभव माना जाता है। हम लोग उम्मीद करेंगे आज किसी बारिश रुक जाए और इंडिया इस मैच को जीत जाए, जो कि श्रीलंका लेजेंड्स नंबर दो पर नंबर जो कि दो पॉइंट्स के द्वारा नंबर दो मैच खेल चुके हैं और नंबर वन पर मौजूद है दोस्तों। दोस्तों आप लोग को जितना पारी उतना शेयर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा अपने छोटे भाई को। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का ये जो कि छठे मुकाबला आकर पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये मैच बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रही है दोस्तों, होने वाला है दोस्तों। और ये मैच पर आप सभी को बहुत कुछ प्लेयर आप सभी को बल्लेबाजी के द्वारा फील्डिंग और इंडिया टीम की जो बात करेंगे तो इंडियन लेजेंड्स की स्क्वाड पर मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जो कि स्टुअर्ट बेनी की पारी जो कि पहला मैच पर लगा रहा था दोस्तों। सचिन तेंदुलकर थोड़ी सी धीमी गति से बल्लेबाजी उस दिन करते हुए नजर में, बट सचिन तेंदुलकर बहुत ही लाजवाब खेलते हैं, हम लोग भी जानते हैं मास्टर बास्टी जो कि मास्टर ब्लास्टर के नाम पर मशहूर जो कि सॉरी जो
बात हो रहा था दोस्तों सचिन तेंदुलकर का, सुरेश रायना जो कि आईपीएल में रिटायरमेंट लेने के बाद वो बल्लेबाज भी जो कि आकर पहुंच चुके हैं रोहित शेट्टी वर्ल्ड सीरीज में, पहला मैच खेलकर बहुत बढ़िया रन बनाते हुए नजर में आ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों नमन ओझा युवराज सिंह, दोस्तों बात चल रहा था इंडियन लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर जो कि आज किसी मैच होने वाला है, कौन कौन सी प्लेइंग 11 लेकर टीम इंडिया उतरने वाले हैं, घोटे एक मिनट के बाद मैं आप सबको जो कि बता दूंगा एक स्क्रिप्ट लेकर आप सभी लोग को, आप लोग मैच होने के बाद आप लोग देखना है उसी प्लेइंग 11 लेकर टीम इंडिया उतरने वाले है। उसी दोस्तों मैं बोलता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जितना पड़े उतना शेयर करके अपने छोटे भाई को थोड़ी सी सपोर्ट करेगा, वीडियो को लाइक करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर ये छोटी मुकाबला होने वाला है, बट वेदर के कारण से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कानपुर में, उसी के दोस्तों जो कि बारिश रुकने के लिए जो कि चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों, जहाँ माना जाता है दोस्तों आज मैच होगा तो दोस्तों थोड़ी सी ओवरकम करा जाएगा और इस मैच को अनुष्ठित करा जाएगा जो कि अनुष्ठित होने वाला है दोस्तों, जो कि रिपोर्ट आकर पहुँच रही दोस्तों। और इस मैच पर देखिए दोस्तों कानपुर में बहुत ही ज़्यादा 100% बारिश की वेदर दिखा रही है दोस्तों, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर ये मैच 60 मैच अनुष्ठित होने वाला है दोस्तों, आज किसी मैच पर इंडिया लेजेंड्स की स्क्वाड आप सबको दिखा देते हूँ दोस्तों, आप लोग देखना दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यशो पठान, मुन्ना पटेल और देखिए ऐसी बद्रीनाथ, स्टुअर्ट बेनी, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा और दोस्तों विनय कुमार, राहुल शर्मा और देखिए राजेश पावर, देखिए अभिमन्यु मुन्नित मुथान मिथान और सुरेश रायना, लाजवाब स्क्वाड को लेकर इंडियन लेजेंड्स उत्तर में वाले हैं आज किसी मैच पर। हम लोग को ऊपर वाले से यादा करेंगे, दुआ करेंगे बारिश रुक जाए और इस मैच को जितना पारे जितना जल्दी पारे उतना जल्दी टॉस कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद मैच की जो कि प्लेइंग 11 जो कि आ जाए हम सब लोग आप सभी को बता देंगे दोस्तों। आप लोग को लाइक करिए, शेयर करिए प्लीज यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है, अपने छोटे भाई को सब तो सपोर्ट करने के लिए बोलता हूँ दोस्तों। ये स्टार्ट दोस्तों होने वाला है दोस्तों आज किसी मैच पर, दोनों टीम के अंदर बहुत ही जल्दी टॉस कार्यक्रम पहले, उसके बाद अपने के लिए मैं आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में समझा दूंगा। आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। और दोस्तों आज किसी मैच पर इंडिया की प्लेइंग 11 कौन कौन से रहने वाला है आप सभी को मैं बता देती हूँ दोस्तों, स्क्वाड में शामिल दोस्तों जो जो प्लेयर है उसी में से मैं बताऊंगा आप सभी को, जो कि नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 खिलाड़ी का नाम बताऊंगा और आप सभी जो कि जब मैच होगा शायद इस प्लेइंग 11 लेकर टीम इंडिया उतरने वाले हैं, जो कि 85% में श्योर होकर बोलूँगा आप सभी को। दोस्तों आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। दोस्तों आज किसी मैच बेहतरीन होने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन टीम की कप्तान साहब होने वाले हैं, उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों कौन आने वाले हैं आप सबको मैं बता दूंगा। आप लोग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक का बटन को जरूर दबा कर जाना और लाइव स्ट्रीम पर जुड़ते रहना दोस्तों, हाथ जोड़ के आप सभी को स्वागत। और इस मैच को कवर करने के लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बोलता हूँ, जो 11 खिलाड़ी इंडिया टीम में खेलने वाले हैं आज किसी मैच पर मैं बता दूंगा आप सभी को, बता दूंगा सर जरूर बता दूंगा आप लोग को, वीडियो बने रहना, लाइव स्ट्रीम में बने रहना एंड तक, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। इस मैच पर कौन विजेताशाली होंगे आप लोग को प्लीज यार कमेंट सेक्शन में बता देना, यार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताएगा।
ठीक है, जरूर बताएगा। दोस्तों इस मैच को कौन सी टीम विजेता होने वाले है आप लोग को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस मैच पर बहुत ही इलाज होने वाला है इस मैच, और कौन कौन सी प्लेइंग 11 होने वाला है, मैं प्लेइंग 11 बनाने जाती हूँ, और कौन कौन सी प्लेइंग 11 लेकर इन्हें टीम उतरने वाले हैं आप सबको मैं बताऊँगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार करने के लिए मत भूलिएगा, अपने भाई को छोटे भाई को सपोर्ट करोगे तो दोस्तों सपोर्ट आपको मिलेगा दोस्तों, यही आपका दिमाग में रख देना है दोस्तों। और कौन कौन सी प्ले, तो दोस्तों एक भाई ने क्या बोला है दोस्तों, सिंपली कैंप सब में ओके भाई, मेरे तरफ से आपको भी सपोर्ट है भाई, जितना पर उतना इस लाइव स्ट्रीम को प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करने के लिए मत भूलिएगा, जो जो भी भाई मेरे लाइव स्ट्रीम पर जुड़ते रहना है और रह चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों 1500 लाइक जो कि सब्सक्राइब होने वाला है और 10 सब्सक्राइब की ज़रूरत है आप लोग को, 10 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट कर देना दोस्तों। और आज किसी मैच किसके नाम पे है और मैच होगा तो किसके नाम पे होगा आप लोग को जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, आप सभी के साथ मैं लाइव स्ट्रीम पे जोड़ रहूँगा और आप सभी को बताने के लिए हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं भी बैठ चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों क्या रिपोर्ट आने वाले हैं मैं दोस्तों आप सभी को जरूर बताऊंगा दोस्तों, आप लोग को लाइक यार करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, इस मैच को आप लोगों को करना इंडिया बनाम जो कि वेस्ट इंडीज, हम लोग बोल सकते हैं इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स, बट दोनों टीम के अंदर इस मैच को अनुचित करा जाएगा सिक्स मुकाबला रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का इस मैच क्या होने वाला दोस्तों, वेटिंग फॉर इस टूडे मैच रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, बट बारिश से रुकते का नाम नहीं कर रहा है जो कि इंदौर टीम में है जो कि कानपुर में दोस्तों, हम लोग ऊपर वाले से यादा करेंगे कि बारिश का रुक हो जाए और मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करा जाए दोस्तों। दोस्तों प्लीज यार लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों इस मैच बहुत ही लाजवाब होने वाला है इंडिया लेजेंड्स बनाम जो कि हम लोग बात करेंगे तो इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर टीम इंडिया के जो प्लेइंग 11 कौन कौन सी हो सकती है मैं आप सबको अंदाजा लगाकर जो कि बताया कि पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, उनके साथ युवराज सिंह जो कि नंबर 2 पर, नंबर 3 पर सुरेश रैना, नंबर 4 पर स्टुअर्ट बिनी, नंबर 5 पर नमन ओझा, नंबर 6 पर इरफान पठान दोस्तों, नंबर 7 पर यूसुफ पठान, नंबर 8 पर स्टुअर्ट बिनी सॉरी एस बद्रीनाथ जो कि आ सकती है दोस्तों, जो कि एस बद्रीनाथ बहुत ही बढ़िया हम लोग देख चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, उसके बाद मनप्रीत गोनी गेंदबाजी के साथ उसके साथ उनके साथ प्रज्ञान ओझा भी जो कि प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं दोस्तों आज किसी मैच पर, और लास्ट प्लेइंग 11 लास्ट प्लेयर को मैं लेके जाऊंगा दोस्तों, देखिए राजेश पावर को दोस्तों, देखिए राजेश पावर लास्ट प्लेयर में से मैं लेके जाने वाला हूँ, तो आपका क्या प्लेइंग 11 में सहमति है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट को पिक करने के लिए जरूर कोशिश करूँगा, ये ऑलराउंडर करता है जो कि राजेश पावर।
दोस्तों हम लोग ऊपर वाला से अदा करेंगे, आप लोग सभी लोग भी अदा कर दे हो, क्योंकि दोस्तों इस मैच को हम लोग उपभोग करना चाहिए। और इस मैच को उपभोग करने के लिए आप लोग देखना चाहती हो तो ऊपर वाला से अदा करो, बारिश का रुक जाए, और बारिश रुक जाएगा तो इस मैच इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को इस मैच को उपभोग कर पाएंगे और दोनों टीम के अंदर लड़ाई चलेगा दोस्तों। और इंडिया लेजेंड्स जो कि नंबर वन पर शायद आ सकते हो, और इंडिया लेजेंड्स की जो कि सभी प्लेयर बहुत ही बड़ा फॉर्म से गति कर रही है, जो कि हम लोग बड़े स्क्वेड भी नहीं। और दोस्तों जो कि बात कर लेंगे तो सुरेश रैना की जो बल्लेबाजी के साथ, और दोस्तों जो कि राजेश पावर जो कि हम सभी को बहुत बड़ा लागू कर रहे हैं। इसे प्लेइंग लेवल लेकर फिर से मैं दोस्तों आप लोगों को बताया कि थोड़ी सी नज़दीक जाकर पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, दोस्तों पहला नंबर पर आ गया सचिन तेंदुलकर। कप्तान साहब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, उसके साथ युवराज सिंह आ गया दोस्तों, और उसके बाद नंबर तीन पर सुरेश रैना, ये बल्लेबाज सुरेश रैना आप सभी को दिखा दे सकते हैं दोस्तों। आज किसी मैच पर सुरेश रैना हो गया नंबर तीन पर। उसके बाद नंबर चार पर दोस्तों ये बल्लेबाज ऑलराउंडर की पारी खेलते हैं स्टुअर्ट बिन, आप सभी को नंबर चार पर दिखाई दे सकती है। और उसके बाद दोस्तों नमन ऊंचा बल्लेबाजी के साथ नमन ऊंचा विकेट कीपर नमन ऊंचा आप सभी को दिखाई दे सकती है दोस्तों। उसके बाद इरफान पठान आप सभी को आज की ऑलराउंडर की पारी खेलते हुए नजर आ सकती है इरफान पठान। उसके साथ नंबर सात पर यूसुफ पठान, इस दोनों बल्लेबाज के साथ गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़े मैच बल्लेबाज हो दोनों प्लेयर हो बहुत बड़े खेलते हैं, मुझे ये दोनों प्लेयर अच्छे लगते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एस बद्रीनाथ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मनप्रीत गोनी, ये दोस्तों देख सकते हो मनप्रीत गोनी 10 मैच खेल चुके गेंदबाजी अच्छे हैं। और उसके साथ प्रज्ञान ओझा दोस्तों 7 मैच उनके हो चुका है। उसके साथ राजेश पावर, इस सभी प्लेयर का थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। आप लोग को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना पढ़िए उतना सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। सचिन तेंदुलकर, और ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर आप सभी को थोड़ी सी दिखा देते हैं, ये सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है आज किसी मैच टुडे मैच कौन सी टीम विजेता होने वाला है, आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। और इंटरेस्टिंग ये मैच दोस्तों आज भी होने वाला है, और उसी में मैं दोस्तों बोलता हूँ आप लोग को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। और इस मैच को आप लोग को उपभोग करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ते रहूँगा, आप लोग भी जुड़ते रहना दोस्तों। और इस मैच पर रेन की जो वेदर के कारण आप सभी को स्क्रीन पर हम लोग दिखाएंगे, थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा इस वेदर के कारण पर दोस्तों। वेदर के कारण आप सभी देख सकते हो 100% जो कि वेदर के कारण बन गया है दोस्तों। और वेदर के कारण के चलते चलते इंडियन टीम जो कि इंडिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के द्वारा जो कि शायद आज किसी मैच पर थोड़ी सी ओवर कम करा जाएगा, ऑब्वियसली ओवर कम करा जाएगा, बट आपसे वो बताया क्यों अब टाइम बढ़ जाए दोस्तों 7th जो कि 30 PM से ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। और अभी तक टॉस कार्यक्रम नहीं होते हुए दोस्तों नज़र में आया दोस्तों, और टॉस कार्यक्रम हो गया था तो दोस्तों ओवर कम करके इस मैच को उचित करा गया होता, तो दोस्तों टॉस कार्यक्रम अभी तक नहीं हो पाया। और प्लेयर की एंट्री भी अभी तक दोस्तों नहीं होते दोस्तों नज़र में आए दोस्तों। आप लोग लाइक करिए और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए मत भूलिएगा। क्रिकेट की हर इन्फॉर्मेशन पहले आप सभी को हमारे इस चैनल पर, क्रिकेट उड़ीसा चैनल पर आप सभी लोगों पहले ही से पाए जाओगे। और दोस्तों मैं आप सभी को इस लाइव स्ट्रीम के बाद आप सभी को बता दूंगा ऑस्ट्रेलिया में जो तीन दिग्गज खिलाड़ी जो कि बाहर हो चुके हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होने वाला था T20 मुकाबला, उसी मैच पर मिचेल स्टार और मिचेल मार्स और माइकल तीनों प्लेयर बाहर हो चुके दोस्तों। मैं आप सभी को इस लाइव स्ट्रीम के बाद इस लाइव पर आप सभी को बता दूंगा, और बात चल रही है दोस्तों इस दोनों टीम के अंदर, इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर क्या क्या प्लेइंग 11 बनाने
था, क्या क्या स्ट्रैटेजी दोनों टीमें अपने बने है आज किसी मैच पर करके दोस्तों जितना पड़ेगा उतना शेयर करेगा, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो पहले हम लोग इंडियन लेजेंड्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया लेजेंड्स है। इंडिया लेजेंड्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर आप सभी को जो कि बल्लेबाजी करते हैं, हम लोग आशा करेंगे सचिन तेंदुलकर सर आज किसी पारी में अपने जो कि बल्ले से कप्तानशिप पारी खेल रहे, आज किसी मैच होगा तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर सर जो कि कप्तानशिप पारी खेलने के लिए हम लोग जो कि उम्मीद करेंगे जो कि सचिन तेंदुलकर सर के पास में। उसके बाद युवराज सिंह खेलेंगे तो युवराज सिंह के बल्ले से भी हम लोग उम्मीद करेंगे, बट ज़्यादातर उम्मीद करेंगे जो कि सुरेश रैना के ऊपर जो कि IPL में रिटायरमेंट ले चुके हैं और चेन्नई सुपर किंग्स में जो कि खेलते हुए आप सभी लोग देख चुके हैं बहुत ही मैच में से। और चेन्नई सुपर किंग्स को क्या दोस्तों IPL जगत के सब प्लेयर को सभी फैंस को बहुत बड़ा झटका लग चुका है दोस्तों। वैसे छोड़ो इस बात को, हम लोग आज किसी मैच पर इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर हम लोग को बात चल रही दोस्तों। इस दोनों टीम के अंदर हम लोग बात करें तो इस दोनों टीम बहुत ही बड़ा लहजा में खेलते हैं, बट इंडिया टीम ज़्यादातर मैच जीत चुके हैं दोस्तों। और श्रीलंका टीम जो कि नंबर वन पर बतर है रोड ट्रिप टू वर्ल्ड सीरीज जो कि 2020 और 2021 हुआ था सेमीफाइनल, जो कि इंडिया लेजेंड्स ने पहले जो कि दोस्तों बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 228 पर 3 विकेट दबा दिए थे। उसके बाद दोस्तों जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स से 206 पर 6 विकेट दबा कर और जो कि ओवर खत्म हो गया था और इंडिया लेजेंड्स ने उसी सेमीफाइनल को 12 रन से जीता होते हैं नजर में आए। उसके बाद फिर रोड ट्रिप टू वर्ल्ड सीरीज जो कि हुआ था फर्स्ट मैच होता जो कि 2020 और 2021 की जो था पहला मैच हुआ था उसी मैच पर जो कि इंडियन लेजेंड्स ने बतर सिंह जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को हरा कर 7 विकेट से इस मैच को जीत दर्ज करते हुए नजर आए दोस्तों। वो फिर 19 ओवर 2 गेंद हो गया था और भी दोस्तों इंडियन लेजेंड्स के पास 10 गेंद बचा हुआ था दोस्तों उसी मैच को खेलने के लिए और इंडियन लेजेंड्स ने 7 विकेट से उसी मैच को जीत दर्ज करते हुए दोस्तों नजर में आए थे दोस्तों। और ये दोस्तों इस जो स्कोरिंग पैटर्न दोस्तों दोनों टीम के अंदर जो कि ग्रीन पार्क कानपुर में जो कि मैच पर दोस्तों देखें तो फास्ट मिस में आवरेज दोस्तों यहाँ पर 142 होता है दोस्तों, शायद जो फास्ट मिस में होता है एवरेज की स्कोर बर्ड 142 और हाई स्कोर बर्ड 218 पर 1 ओवर जो कि 20 ओवर में जो कि हुआ था श्रीलंका लेजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स के अंदर इस मैच को हुआ था उसी पर जो कि 218 रन पर 1 विकेट जो कि गया था। और दोस्तों हाईएस्ट चेस्ट हुआ था जो कि 100 पर 1 विकेट गया था दोस्तों, और लोएस्ट डिफेंडिंग दोस्तों हुआ था और इस मैच को आप लोगों को भी करते रहना है दोस्तों। और इस मैच पर क्या रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। और आप लोग को लाइक करिए शेयर करिए, क्या करिए भाई लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा दोस्तों। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा दोनों टीम के अंदर बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी इन दोनों टीम ने अपने जुटे हैं दोस्तों। इंडियन लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ये मैच अब बेहतरीन होने वाला था दोस्तों, बारिश के साथ खाया गया और हम लोग बनने से क्या बारिश रुक जाएगा दोस्तों, ये जो कि प्रकृति का नियम है और प्रकृति को हम लोग क्या नेचर को क्या हम लोग कब्जे में रख सकते हैं दोस्तों। आप लोग को लाइक करिए शेयर करिए और 1500 लाइक जो कि सब्सक्राइब होने वाला है, ओनली 10 सब्सक्राइबर की कंप्लीट करेगा दोस्तों। और दोस्तों क्या अपडेट आने वाले आप सभी को मैं बता दूंगा, बट वेदर की कंडीशन यहाँ पर 100% अभी तक बारिश का रुकते ही नाम नहीं लेता है दोस्तों नजर में आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। इस मैच पर दोस्तों जो रिपोर्ट आ रही है ऑफिशियल भी अनाउंसमेंट हो चुका है ड्यूटी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेन होते हुए नजर आए जो कि कानपुर में, उसीलिए दोस्तों मैच को क्या होने वाला दोस्तों हम लोग को बेहतर सदरी से इंतजार है। और
बारिश रुक जाएगा तो दोस्तों हम सभी को ओवरकम होगा, या ओवरकम तो ऑब्वियसली होगा, बट हम सभी को मैच दिखाई दे सकती है दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों को छोटी सी निवेदन है, इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों नहीं भूलिएगा दोस्तों प्लीज यार लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। और दोस्तों मैच की बात चल रहा था अंदर क्या स्ट्रेटजी आपने बांधे है, और हम लोग फुल बातचीत करेंगे यार, फुल बातचीत करेंगे आप लोग हो, बट वीडियो का लाइक का बटन को जरूर दबाए के रखेगा। दोस्तों बात चल रहा था इंडियन लेजेंड से बना जो कि वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के अंदर मैच के बारे में, और इस मैच के बारे में मैं तो बता चुकी हूँ दोस्तों, फिर से आप सभी को थोड़ी सी बताई थी। और इस मैच की पहले बात कर लेते हैं, वेदर की कंडीशन आप सभी के सामने में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में जो कि इस मैच को लाइव होने वाला था 7:30 PM पर, अभी दोस्तों 7:45 PM हो चुका है और 15 मिनट लेट हो चुका है ऑब्वियसली। और दोस्तों बारिश को क्या हम लोग रोक पाएंगे, ये तो नेचर की कारनामा है और नेचर को दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। और इस मैच के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 100% बारिश की परसेंटेज दिखा रही है दोस्तों, और वेदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा होते हुए इस मैच को आप सभी को क्या बारिश रुक जाएगा तो मैच होने वाला है, बारिश नहीं रुकेगा तो शायद आप सभी को इस मैच जो कि काल होने वाला है, या फिर दोस्तों आज जो कि टाइम की परिवर्तन करने वाला है, या फिर दोस्तों कुछ टाइम जो कि ओवर भी, तो ओवर ऑब्वियसली दोस्तों ओवर की कमी करा जाएगा, ओवर कमी करा जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखें तो ओवर के बाद क्या होने वाला है दोस्तों, क्या अपने वाले हैं स्ट्रैटेजी, दोनों टीम के अंदर क्या प्लेइंग इलेवन होने वाला है। फिर से मैं बताया तो इंडिया टीम की प्लेइंग इलेवन है सचिन तेंदुलकर, और दोस्तों सचिन तेंदुलकर उनके साथ युवराज सिंह, सुरेश रायना, नमन ओझा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, एस बद्रनाथ, मनप्रीत धोनी, प्रज्ञान ओझा, राजेश पवार, इस प्लेइंग इलेवन लेकर शायद इंडियन टीम उतर सकती है आज किसी नया अनुचित होगा तो दोस्तों। तो दोस्तों आप उनको छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है जो कि लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। छोटा यूट्यूबर को, छोटे भाई को सपोर्ट करेंगे तो आप सभी को सपोर्ट ऑब्वियसली दोस्तों मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों हमारी बात चल रही थी इंडियन लेजेंड्स के बारे में, साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स की बात करेंगे, दोनों इंडियन लेजेंड्स के बारे में, साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स की जो पहला मैच होता दोनों टीम के अंदर, और इंडियन लेजेंड्स ने बात कर बहुत ही ज़्यादा रन बना कर और उसी मैच पर जीतते हुए नजर में आए थे दोस्तों। दोस्तों उसी मैच की थोड़ी सी मैं एनालिसिस करूंगा, तो उसी मैच पर जो पहला मैच होता है इंडियन लेजेंड्स के बनाम साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स के अंदर, उसी मैच पर जो कि बीस ओवर में इंडिया ने पहले टॉस जीत कर बल्लेबाज के साथ इंडियन टीम ने जो कि 217 रन पर 4 विकेट दबा दिए थे, और उसके बाद देखें तो स्टुअर्ट बिनी ने नॉट आउट होकर 42 गेंद खेल, 42 गेंद खेलकर 82 रन, 82 रन मारते हुए बना हुआ, और 195 पॉइंट 24 की ट्राइगर से बल्लेबाज उनके द्वारा प्रसारित होते नजर आए। उसी में शामिल दोस्तों 5 चौका के साथ जो कि 6 छक्का जो कि स्टुअर्ट बिनी की बल्ले से दोस्तों उसी मैच पर आया था दोस्तों। और सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना उसी मैच पर 22 गेंद खेल चुके थे, और 22 गेंदों में 33 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाज के द्वारा 4 चौके के साथ उसी बल्लेबाज ने बल्लेबाजी करते नजर आया। और दोस्तों देखिए तो उसी मैच पर सुरेश रैना के जो कि स्ट्राइकर दे चुके दोस्तों दिखाई दे रहे थे दोस्तों। उसी मैच पर बात करें तो पहला मैच दोस्तों हुआ था तो इंडियन लेजेंड्स का नाम साउथ अफ्रीकन लेजेंड्स के अंदर, उसी मैच पर राहुल शर्मा ने 3 विकेट, मोना पटेल ने 2 विकेट, प्रज्ञान ओझा ने 2 विकेट, इरफान पठान ने 1 विकेट, और युवराज सिंह ने जो कि 1 विकेट लेते हुए दोस्तों नजर में आए थे दोस्तों। बाकी मैच किसी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही लाजा होने वाला है दोस्तों, आप लोग को जितना पाएगा उतना शेयर करिएगा लाइव स्ट्रीम को एंड सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों। दोस्तों हम लोग का बात चल रहा था दोस्तों दोनों टीम के अंदर, लेकिन क्या क्या प्लेइंग इलेवन लेकर दोनों टीम आज किसी मैच पर होगा तो उतरने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा तो इंडिया को जो कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा जो कि रन मारने वाले हैं आज किसी मैच पर, सुरेश रैना आइडर
बाहर चला था। सुरेश रैना इधर ईश्वर बल्लेबाज के अंदर एक भी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाज आज इस मैच पर करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके स्ट्राइकर्स जो कि पिछले मैच पर सुरेश रैना के 272 दोस्तों स्क्वेड बन के स्ट्राइकर दोस्तों जो कि पिछले मैच पर रहा था जो कि 195.27 जो कि लाजवाब था 195.24। और इसी स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करोगे तो आपको कौन रोकेगा आज जो कि आगे जाकर बात। दोस्तों इस मैच की हम लोग फुल बातचीत जारी कर चुके हैं और जारी करते भी रहेंगे। दोस्तों आप लोग का थोड़ी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक कोई भी बंदे सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों प्लीज यार 10 सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज ओनली 10 सब्सक्राइबर, देखिए हमारा 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, उसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ओनली 10 यार, ओनली 10 सब्सक्राइब कर दो। और आज किस मैच पर मैं आप सभी के साथ मौजूद हूँ और मौजूद भी रहूँगा दोस्तों, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा बोलिए यार, कहाँ जाऊँगा आप सभी को छोड़कर मैं कहाँ से भी नहीं जाने वाला हूँ दोस्तों। और ये बात चल रहा है तो दोस्तों दोनों टीम के अंदर हमने इंडिया की टीम के अंदर प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, तो पहले तो मैं बोलूँगा सचिन तेंदुलकर, उसके साथ युवराज सिंह, सुरेश रैना, स्टुअर्ट बिनी, नमन ओझा, इरफान पठान, ईश्वर पठान, एस बद्रीनाथ के साथ दोस्तों, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा के साथ जो कि राजेश पवार इस प्लेइंग 11 लेकर जाना चाहिए। तो आपका क्या राय है आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। जी हाँ, और बारिश की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रही है। न्यूज की सबसे अपडेट की बात करें तो दोस्तों इस मैच दोस्तों इसी मैच हम सभी को दिखा जा सकती है, क्योंकि बारिश रुकने के बाद हम सभी को दिखा जा सकती है दोस्तों, उसीलिए हम सभी को वेट करना पड़ेगा। बट दोस्तों इस मैच पर आप लोगों को कितने सब्सक्राइबर दे सकते हो अपने भाई को, आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा प्लीज यार सब्सक्राइब करेगा। ओनली 10 कर दो भाई साहब, ओनली 10 कर दो सब्सक्राइब, आज पूरी कर दो, क्योंकि हमारे 1500 सब्सक्राइब प्लीज पूरी कर दो, प्लीज यार पूरी कर देना, ओनली देखिए 10 सब्सक्राइब पूरी कर देना, और इस मैच को आप लोग ऊपर करते रहना है।
प्लीज यार ओनली 10 सब्सक्राइब कर दो, 1500 कर हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग प्लीज यार पूरी कर देना, प्लीज यार पूरी कर देना, इतना ही तो कर सकते हो अपने भाई के लिए या फिर नहीं, नहीं तो कमेंट कर दो यार, तो कोई नहीं करो यार। आप सभी के लिए हम लोग गर्मी में आप सभी के लिए न्यूज प्रोवाइड के साथ स्पोर्ट बॉन्ड प्रोवाइड भी हम लोग करते हैं, और आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। और दोनों टीम क्या अंतर रहा, हम लोग सभी को लाजा का मैच दिखाई दे सकता है, बट हम लोग उम्मीद करेंगे वर्षा तो जो कि बारिश रुक जाए और दोनों टीम के अंदर जो कि निकल कर आ जाए, जो कि प्लेइंग के लिए बनना और टॉस ही कार्यक्रम भी हो जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है आज किसी मैच अनुष्ठित हो पाएगा या फिर नहीं, आप लोग को अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। दोस्तों मुझे लगता है बारिश रुक जाने के बाद ओवर कम होगा, या ओवर कम तो जरूर होगा बट मैच को स्टार्ट करा जाएगा। आपका क्या राय है आप लोग को कमेंट में जरूर बताएगा, अपना राय दे दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। बात सभी चलता रहेगा और मैच की अपडेट भी क्या आने वाले हमको भी इन्वाइट हम लोग करते रहेंगे दोस्तों, और क्या अपडेट आने वाला है आप सभी को हम लोग पहले बताएंगे इस चैनल पर, और आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों मत भूलिएगा। और ये मैच रोड ट्रिप टू वर्ल्ड सीरीज के मैच की 6 मैच पर आकर पहुँच चुके, 6ठी मैच आज होने वाला है, बट वेदर के कारण से क्या रिपोर्ट आने वाले आप सभी को हम लोग बताएंगे यार। जो कि 10 सब्सक्राइब कर दो, जो कि 1500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ओनली 10 सब्सक्राइब की ज़रूरत है, जहाँ जितना पड़े उतना शेयर करिएगा दोस्तों। प्लीज यार, और इस मैच इंडिया लेजेंड्स बनाम वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के इस मैच और सिद्ध होने वाला है दोस्तों, और मैं प्लेइंग के लिए बता चुके हैं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और इरफान पटेल, ईश्वर पठान, मुना पटेल, एस बद्रीनाथ, स्टुअर्ट बेली, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा और स्क्वाड पर शामिल है दोस्तों। स्क्वाड को आप सभी फिर से मैं दिखाई दूँ, सुरेश रायना भी आप सभी को दिखाई देंगे इस मैच पर, बट मैं फूल दिखाई जो इसमें जो कि कैप्टन बनेंगे जो कि तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, बट स्क्वाड को मैं पहले बताया थी फुल स्क्वाड इस मैच का, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह 6 मैच खेल चुके, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मुना पटेल, एस बद्रीनाथ, स्टुअर्ट बेली 155 मैच खेल चुके, एस बद्रीनाथ 143, नमन ओझा 10 मैच खेल चुके, मनप्रीत गोनी 10 मैच खेल चुके, प्रज्ञान ओझा 7 मैच, विनय कुमार 4 मैच,
राहुल शर्मा 75, राजेश पावन, उनकी तो मैच की क्योंकि अपडेट नहीं है। उसके साथ अभिमन्यु मिथुन 74 मैच, सुरेश रायना 329 मैच। आप सभी को इस जो कि मैच पर आप सभी को दिखाई देंगे। आप लोग को यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सभी को इस मैच पर बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी आप सभी खेलते हुए भी दोस्तों नज़र में आएंगे और आ सकती है दोस्तों, और इस में शामिल बहुत ही बड़ा बड़ा नाम है दोस्तों हमारे इंडिया की, क्योंकि प्लेइंग इलेवन क्या क्या आज होने वाला है आप सभी को मैं बता चुकी हूँ और फिर से मैं बताने वाला हूँ। बट आप लोग का थोड़ी सपोर्ट चाहिए और लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और इंडियन स्क्वाड की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठाना, मुन्ना पटेल, एस बद्रीनाथ, स्टुअर्ट विनी, नमन ओझा, और मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा, विनय कुमार, राहुल शर्मा, राजेश पवार और अभिमन्यु मिथुन सुरेश रैना के साथ स्क्वाड में सभी शामिल है। Thank you.